ओम नमः सिद्धेभ्यः। जल आदि ब्रह्मा ऋषभ देव भगवान की जय। शासन नायक महावीर भगवान की जय। द्वादशांगमयी सरस्वती माता की जय। परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। मव्यात्माओं, 16 दिन से जो सरस्वती माता की आराधना चल रही थी आज समापन पर है। आज है आषाढ़ कृष्णा एकम और अब सरस्वती माता की पूजा प्रारंभ होगी। पहले 9 बार सरस्वती माता का मंत्र, उसके बाद पूजा। ओम ह्रीं द्वादशांगवाणी सरस्वती देव्यै नमः। 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 चलिए अब पूजन करते हैं। जलो द्वादशांगमयी सरस्वती माता की जय। जिन देव के मुख से खिरी दिव्य ध्वनि अन अक्षरी गणधर ग्रहण कर द्वादशांगी ग्रंथ में रचना करी। इन अंग पूरब की ही रचना रूप सरस्वती माते हैं इनकी करूं मैं अर्चना ये शास्त्र में विख्यात हैं। ओम रिवर हनुमुख कमल विनग्रंथ द्वादशांगमयी सरस्वती देवी अत्र अवतर अवतर समोसट आहोननम अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठह ठह स्थापनम अत्र मम सन्नितो भव भव सट सन्निधि करम स्थापनम। जैन साधु चित्त सम पवित्र नीर ले लिया स्वर्ण भ्रंग में भरा पवित्र भाव मैं किया। द्वादशांग में सरस्वती मुझे सुबोध दो बुद्धि समीचीन हो उदित ज्ञान ज्योति हो। ओम रिवर हनुमुख कमल विनग्रंथ द्वादशांगमयी सरस्वती देवी जलम निरुपामिति स्वाहा। केसरादि को घिसाए स्वर्ण पात्र में बरी पाप ताप शांति हेतु पूजा हूँ इसी घरी। द्वादशांग में सरस्वती मुझे सुबोध दो बुद्धि समीचीन हो उदित ज्ञान ज्योति हो। ओम रिवर हनुमुख कमल विनग्रंथ द्वादशांगमयी सरस्वती देवी चंद्रम निरुपामिति स्वाहा। चंद्र रश्मि के समान धौत स्वच्छ साली है पुंज को चढ़ावते मिले गुणों की माल है। द्वादशांग में सरस्वती मुझे सुबोध दो बुद्धि समीचीन हो उदित ज्ञान ज्योति हो। ओम रिम अरण्मुख कमल द्वादशांग में सरस्वती देवी अक्षितम निरुपामिति स्वाहा। मोगरा गुलाब चंप केत की चुनाए के स्वात्म सौख्य प्राप्त हो पुष्प को चढ़ावते। द्वादशांग में सरस्वती मुझे सुबोध दो बुद्धि समीचीन हो उदित ज्ञान ज्योति हो। ओम रिवरण मुकमल द्वादशांगमयी सरस्वती देवी पुष्प निरुपामिति स्वाहा। लड्डू का व्यंजनों से थाल को भराए के ज्ञान देवता समीप भक्ति से चढ़ाए के। द्वादशांग में सरस्वती मुझे सुबोध दो बुद्धि समीचीन हो उदित ज्ञान ज्योति हो। ओम रिम अरण मुख कमल द्वादशांग में सरस्वती देवी नैवेद्यम निरुपामिति स्वाहा। दीप में कपूर ज्वाल आरती उतारूं ज्ञान पूर जैन भारती हृदय में धारूं। द्वादशांग में सरस्वती मुझे सुबोध दो बुद्धि समीचीन हो उदित ज्ञान ज्योति हो। ओम रिम अरण मुख कमल द्वादशांग में सरस्वती देवी दीपम निरुपामिति स्वाहा। धूप ले दशांग अग्नि पात्र में खेवते कर्म भस्म हो उड़े सुगंधि को बिखेरते। द्वादशांग में सरस्वती मुझे सुबोध दो बुद्धि समीचीन हो उदित ज्ञान ज्योति हो। ओम रिम अरण मुकल द्वादशांग में सरस्वती देवी धूपम निरुपामिति स्वाहा। सेव संतरा नार द्राक्ष थाल में भरे
मोक्ष सौख्य हेतु शास्त्र के समीप ले धरे। द्वादशांग में सरस्वती मुझे सुबोध दो, बुद्धि समीचीन हो उदित ज्ञान ज्योति हो। ओम रीम अरण द्वादशांग में सरस्वती देवी फलम निरुपामिति स्वाहा। वारी गंध साली पुष्प चरुष दीप धूप ले, सत्फलों समेत अर्घ से जजे सुयस मिले। द्वादशांग में सरस्वती मुझे सुबोध दो, बुद्धि समीचीन हो उदित ज्ञान ज्योति हो। ओम रीम अरण मुखद्वासांग में सरस्वती देवी अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। स्वर्ण भंग नाल से सुशांति धार देय के, विश्व शांति हो तुरंत इष्ट सौख्य देय के। द्वादशांग में सरस्वती मुझे सुबोध दो, बुद्धि समीचीन हो उदित ज्ञान ज्योति हो। शांति शांति धारा। गंध से समस्त दिख सुगंध कर रहे सदा, पुष्प को समर्पिते न दुख व्याधि हो कदा। द्वादशांग में सरस्वती मुझे सुबोध दो, बुद्धि समीचीन हो उदित ज्ञान ज्योति हो। पुष्पांजलि क्षिपे। ओम रीम अरण्मुख कमल विनिर्गत द्वादशांगाय नमः स्वाहा। जय माला। द्वादशांग में है द्वादशांग है वांग में श्रुति ज्ञान अमृत सिंधु, गाऊं तुम जय मालिका तिरुं शीघ्र भव सिंधु। जय जय जिनवर की दिव्य ध्वनि जो अनक्षरी ही खिरती है, जय जय जिनवाणी श्रोताओं को सब भाषा में मिलती है। जय जय अठरामा भाषाएं लघु सात शतक भाषाएं, फिर भी संख्या तो भाषा में सब सब जे जिन महिमाए हैं। जिन दिव्य ध्वनि को सुन कर के गणधर गूंथे द्वादश अंग में, बारहवें अंग के पांच भेद चौथे में चौदह पूर्व बने। पद 112 कोटि 83 लाख 58 सहसपा, मैं इनका वंदन करता हूँ मेरा श्रुत में हो पूर्णांक। एक पद 1634 कोटि और 83 लाख तथा है 7888 अक्षर जिन शास्त्र कथा। इतने अक्षर का एक पद, तब सब अक्षर के जितने पद उनमें से शेष बचे अक्षर व अंग बाय श्रुत नाम लहे। जो 8,01,8,175 14 प्रकीर्ण में अंग बाय के इतने ही माने अक्षर। यह शब्द रूप और ग्रंथ रूप सब द्रव्य श्रुत कहलाता, जो ज्ञान रूप है आत्मा में वह कहा भाव श्रुत जाता है। जिनको केवल ज्ञानी जाने पर वच से नहीं कह सकते, ऐसे पदार्थ सुअनंतानंत जो तीन भुवन में रहते हैं। मन से भी अनंत में बाघ प्रमित वचनों से वर्णित हो पदार्थ, उन प्रज्ञापनीय से भी अनंत वे भाग कथित श्रुत में पदार्थ। फिर भी यह श्रुत सब द्वादशांग सरसों सम इसका आज अंश, उनमें से भी लव मात्र ज्ञान हो जावे तो भी जन्म धन्य। यह जिन आगम की भक्ति ही निज पर का भान कराती है, यह भक्ति ही श्रुत ज्ञान पूर्ण कर श्रुत केवली बनाती है। श्रुत ज्ञान व केवल ज्ञान उभय ज्ञान अपेक्षा है सदृश कहे, श्रुत ज्ञान परोक्ष लखे सब कुछ बस केवल ज्ञान प्रत्यक्ष लहे। अंतर इतना ही तुम जानो इसलिए जिनागम आरादो, स्वाध्याय मनन चिंतन करके
निज आत्म सुधारस को चाखो। इस ढाई द्वीप में कर्म भूमि 170 जिनवर होते, उन सब की ध्वनि जिन आगम है, इससे जन अगमल को धोते। जिन वच पूजा जिन पूजा सम, यह केवल ज्ञान प्रदाता है। नित पूजो ध्याऊं गुण गाऊं, यह भव्यों को सुख दाता है। हे नाम भारती सरस्वती शारदा हंस वाहिनी तथा विदुषी वागीश्वरी और कुमारी ब्रह्मचारिणी सर्वमता। विद्वान जगन माता कहते ब्राह्मणी व ब्राह्मणी वरदा, वाणी भाषा श्रुत देवी गौ, ये 16 नाम सर्व सुखदा। हे सरस्वती अमृत झरणी मेरा मन निर्मल शांत करो, साद्वाद सुधारस वर्षा कर, सब दाह हरो मन तृप्त करो। हे जिन वाणी माता मुझ अज्ञानी की नित रक्षा करी, दे केवल ज्ञान मति मुझको, फिर भले उपेक्षा ही करिए। भूत भविष्यत संप्रति त्रैकालिक जिन शास्त्र, उनकी प्रतिकृति रूप में नमो सरस्वती मात। ओम अरन्मुख कमल विनिर्गत द्वादशांग मयी सरस्वती देवी जयमाला महार्घ्यम पूर्णार्घ्यम निरुपामीति शांति शांति धारा दिव्य पुष्पांजलि। सब भाषा में सरस्वती जिन कन्या जिन वाणी, ज्ञान ज्योति प्रगटित करो माता जग कल्याणी। त्याशीर्वाद पुष्पांजलि क्षिपेत। अब लक्ष्मी माता के लिए अर्घ चढ़ाइए। भौतिक सम्मान बढ़ाने को कितने प्रयत्न हम करते हैं, चंदना मती अब हर की थाली ले ईप्सित फल हम वरते हैं। हे लक्ष्मी माता तुम निर्धन को भी धनवान बनाती हो, सांसारिक सुख संपत्ति देकर सबको सम्मान दिलाती हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ऐं महालक्ष्मी अर्घ्यं निरपामीति स्वाहा। जलो सरस्वती लक्ष्मी माता की जय। अभ्यात्माओं, इस प्रकार से आपने शारदा पक्ष के कार्यक्रम को आज संपन्न किया। द्वादशांग मयी सरस्वती माता की पूजन करके साथ में लक्ष्मी माता की भी की, क्योंकि सरस्वती और लक्ष्मी ये दोनों ही भगवान के समोसरण में भगवान के आजू बाजू हमेशा विराजमान रहती हैं, और जब भगवान विहार करते हैं तो आगे आगे चलती हैं। तो ये शाश्वत तीर्थ अयोध्या से आप प्रतिदिन पूजा पाठ भक्ति का कार्यक्रम संपन्न करते हैं, और कल आषाढ़ कृष्णा द्वितीया की तिथि है, जिस दिन आज से कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष पूर्व भगवान ऋषभदेव इसी अयोध्या नगरी में सर्वतोभद्र महल के अंदर शयन कर रही माता मरुदेवी के गर्भ में आए थे, और इंद्रों ने आकर उनका गर्भ कल्याणक बनाया था। ऐसे स्थान पर बैठ करके पूज्यगणी ज्ञानमती माता जी बहुत ही प्रसन्नता की अनुभूति कर रही हैं, और कल भगवान की जन्मभूमि का जो मंदिर है, जन्मभूमि टोंक जो स्वर्ग द्वार मोहल्ले में माना जाता है, वहाँ सुंदर जिन मंदिर बना हुआ है, प्रातःकाल हम आपको वहीं से पारस चैनल पर भगवान का अभिषेक आदि दिखाएंगे। मौसम ठीक रहा तो निश्चित रूप से वहीं पर चलेंगे, और गर्भ कल्याण के प्रतीक में रत्न वृष्टि भी की जाएगी। तो अब सरस्वती की आराधना के पश्चात अब सरस्वती माता के द्वारा कुछ ज्ञान भी प्राप्त कर लीजिए। प्रवचन निर्देश का की जो क्लास चल रही है उसको शुरू करते हैं। इसके बाद सरस्वती की प्रतिमूर्ति पूज्यगणी ज्ञानमती माता जी की पूजन करेंगे। सिद्धं जैनं प्रकृष्टत्वात् वचः प्रवचनाभिधं तन्मे चित्ते सदा स्थेयात् सत्पथं चापि निर्दिशेत्। प्रवचन निर्देशिका के अंदर ये कहा गया कि जिनेन्द्र भगवान के वचन
सर्वश्रेष्ठ हैं, प्रकृष्ट उत्कृष्ट हैं, इसलिए उन वचनों का नाम है प्रवचन। वे प्रवचन रूप वचन हमें हमारे हृदय में सदैव स्थित रहें और मुझे सतपथ यानी सच्चे मार्ग का निर्देश प्रदान करते रहें, अर्थात हम सब मोक्ष मार्ग के सच्चे पथिक बन करके और सम्यक दर्शन का स्वरूप अपनी आत्मा के अंदर प्रकट करते रहें। आपने इस प्रवचन निर्देश का, प्रवचन निर्देश का तो इसका नाम है क्योंकि प्रवचनकर्ताओं के लिए बहुत ही सुंदर ग्रंथ है। वैसे ये ज्ञान निर्देशिका है, माने जैन धर्म के चारों अनुयोगों का ज्ञान कराने के लिए 68 ग्रंथों को अपने अंदर समाविष्ट किए हुए ये प्रवचन निर्देश का पुस्तक जो पढ़ लेगा तो उसके हृदय में निश्चित रूप से ऐसी ज्ञान की ज्योति जलेगी, हर प्रश्न का उत्तर उनके पास मौजूद होगा, हर शंका का समाधान वे किसी के सामने भी कर सकते हैं। इसको केवल पढ़ना ही नहीं है, आपको अच्छे से हृदयंगम करना है और इसकी परीक्षा भी ली जाएगी, तब हम आपको सूचना देंगे कि कब कितने चैप्टर की आपको परीक्षा देना है। सर्वप्रथम आपने जाना कि प्रवचनकर्ता को चार बातों का ध्यान रखना है। नंबर एक, प्रवचनकर्ता कैसे हों, तो उनके 21 नियमों के बारे में आपने जाना कि अच्छे से वे सामने वाले श्रोताओं को आकर्षित ही नहीं बल्कि उनके हृदय में अपने मन की बात को पहुंचा सकें, ये प्रवचनकर्ता के 21 गुण। उसके बाद प्रवचन का विषय आया कि प्रवचन का विषय अपने चारों अनुयोगों के ग्रंथों को ही आधार बना करके लेना चाहिए। एक तो होता है लेक्चर और एक होता है प्रवचन। कई पॉलिटिकल सभाओं के अंदर तो लेक्चर होते हैं या बड़ी सभाओं में, सार्वजनिक सभाओं में आपके लेक्चर हो सकते हैं, लेकिन मंदिर के अंदर शास्त्र की गद्दी पर बैठ करके, शास्त्र सामने रख करके जो बातें कही जाती हैं उनका नाम है प्रवचन। तो प्रवचन का विषय जाना और प्रवचन, और अब आगे प्रवचन के अंदर भी आपने जाना कि कैसा प्रवचन हो जिसमें महापुरुषों का इतिहास हो, जिसके अंदर चारों अनुयोगों की बात सुनाई जाए, जिसके अंदर आत्मा की बात बताई जाए कि बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा के रूप में इस जीवात्मा के तीन भेद हैं। बहिरात्मा संसार के अंदर परिभ्रमण करते रहते हैं और शरीर और आत्मा को बिल्कुल एक मान लेते हैं, तो वो समझो कि मिथ्यात्व से ग्रसित रहते हैं और कभी आत्मस्वरूप को, सच्चे आत्मस्वरूप को नहीं जान पाते। अंतरात्मा वे होते हैं जो शरीर और आत्मा की भिन्नता को समझते हैं और वैसा ही आचरण करते हैं, शरीर को अपने से भिन्न मानते हैं कि एक दिन तो इस नश्वर शरीर को छूटना है। और परमात्मा वे होते हैं जो इस तरह के चिंतन के बाद उसको प्रकट करने के लिए पुरुषार्थ करते हैं और उस पुरुषार्थ में सफल होकर के सिद्ध शिला पर जाकर विराजमान हो जाते हैं, भी परमात्मा हैं। तो ये हुआ प्रवचन। अब प्रवचन का फल क्या होता है, देखो आपने ये जाना कि प्रा माने उत्कृष्ट और वचन माने वाणी, तो उत्कृष्ट वाणी जिनेन्द्र भगवान की वाणी होती है, तो सबसे अच्छा, सबसे उत्कृष्ट प्रवचन तो भगवान जिनेन्द्र की दिव्य ध्वनि है। और उसके बाद उस दिव्य ध्वनि को साक्षात ग्रहण करने वाले दिगंबर जैन संत जो हैं, जिनकी वाणी राग द्वेष से रहित, पक्षपात से रहित होती है और केवल पूर्वाचार्यों के जिन वाणी को, शास्त्रों को आधार बना करके ही पूजा आदि पद्धतियों का या श्रोताओं के हित की बात को करते हैं, जैसे षटखंडागम, धवला, जय धवला, महाधवला आदि पुस्तकों में कोई मिलावट नहीं करते, केवल आचार्यों की शुद्ध वाणी को सुनाते हैं, ऐसी पक्षपात रहित वाणी को सुनना वो प्रवचन है। तो उसका फल क्या होता है, सुनो, जब अच्छा अच्छा ताज़ा ताज़ा कोई फल खाएंगे तो मीठा लगेगा, स्वादिष्ट लगेगा, स्वास्थ्यवर्धक होगा। ऐसे ही प्रवचन का फल क्या है, तो उसको समझ लेना कि प्रवचन सुन करके इतना सुंदर प्रवचन हो, आगम के आलोक में हो,
तो उस प्रवचन को सुन करके सामने वाला जो श्रोता है वह मिथ्यात्व, असंयम, प्रमाद और कसाय से डर करके और यथाशक्ति मोक्ष मार्ग में बढ़ने के लिए सम्यक्त को, संयम को धारण करके समभाव में प्रवृत्ति कर सके। देखो गुरुओं की वाणी में बड़ा दम होता है। अगर एक आदिवासी के सामने भी प्रवचन सुनाया जाता है, उसके हित की बात को सुनाया जाता है, तो तुरंत वो व्यसन का त्याग करने के लिए राजी हो जाता है। क्योंकि संत जो हैं वो एक वृक्ष के समान होते हैं, संत एक नदी के समान होते हैं, प्रवचन करता भी इसी प्रकार से पक्षपात रहित होकर सामने वाले की योग्यता के समान प्रवचन करता है। तो देखो परोपकाराय फलन्ति वृक्षा, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकाराय सताम रजन्ति। कोई नदी कभी अपना पानी नहीं पीती, उससे तो लोग सोर्स लेकर के और पाइप से खेतों को सींचते हैं, पीने के लिए पानी भरते हैं। और गाय कभी अपना दूध नहीं पीती, उस दूध को लोग पीते हैं और उससे पुष्टता, स्वस्थता प्राप्त करते हैं। तो परोपकार के लिए पैदा हुई है गाय। अब आज उसको लोग स्लॉटर हाउस में पहुंचा देते हैं, बहुत गलत है। अपने बूढ़े माता पिता को क्या आप ऐसा कत्ल करेंगे? नहीं ना, अपने बूढ़े माता पिता की इज्जत करना जैसे कर्तव्य है, ऐसे गाय माता की इज्जत करना, बूढ़े होने पर भी उन्हें आश्रय देते रहना, क्योंकि उन्होंने जीवन भर हमें दूध पिलाया है। तो ये परोपकार के लिए ही पैदा होते हैं। और परोपकाराय फलन्ति वृक्षा, कोई वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं खाते, दूसरों के लिए ही फल होते हैं। चाहे ईंट मारते हैं, चाहे डंडा मारते हैं, लेकिन वृक्ष जो है वो तो फल ही देता है। और हम सबको, आपको कोई एक गाली दे दे, डंडा मारना या ईंट मारना, पत्थर मारना तो दूर की बात, एक गाली भी दे दे तो क्या करते हैं, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे हम। तो जरा इनकी बातों को आप सोचें कि इन लोगों ने कितना परोपकार के लिए अपने जीवन को खपा दिया। तो इस प्रकार से परोपकार की भावना से जो संत, जो प्रवचनकर्ता प्रवचन करते हैं, तो निश्चित रूप से सामने वाले पर असर पड़ता है और वो अपने दुर्भावों को छोड़ते हैं। अगर क्षमा पर प्रवचन चल रहा है तो क्रोध को उस दिन सब लोग छोड़ देते हैं और आपस में एक दूसरे से क्षमा क्षमा कर लेते हैं। तो महानुभाव, ऐसा प्रवचन करता होना चाहिए कि जो श्रोता है वो प्रवचन के फल को प्राप्त कर लें। तो इस फल के साक्षात और परंपरा, ऐसे दो भेद बताएं। एक तो साक्षात फल होता है कि वक्ता का उपदेश ऐसा होना चाहिए कि श्रोतागण मिथ्यात्व को छोड़ करके सच्चे देव सास गुरु के श्रद्धानी बन जाएं, कि संसार के अंदर सच्चे देव सास गुरु के अतिरिक्त कुछ नहीं है। जो जिनवाणी के अंदर कहा गया है उसको परिपालन करने वाले आज हमारे गुरु ही साक्षात जिन हैं, जो आज साक्षात गुरुओं को देख करके और उनकी अनदेखी कर देते हैं, चतुर्थ काल के गुरुओं की दुहाई देते हैं और आज जो सामने बैठे हैं उनका अपमान करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इन गुरुओं के प्रति श्रद्धान होना चाहिए। पिच्छी और कमंडल देख करके हमेशा मस्तक नत होना चाहिए। कोई संतवाद नहीं, कोई पंथवाद नहीं, एक ही पंथ है, एक ही संतवाद है कि जिसके हाथ में पिच्छी कमंडल है वो मुनि हो, आरिका हो, क्षुल्लक हो, क्षुल्लिका हो, बस वहीं अपना मस्तक नत हो गया तो समझो सम्यक दृष्टि बन गए। तो पूज्य पुरुषों के प्रति सम्मान का भाव प्रकट हो जाए। अगर कोई उद्दंडता की प्रवृत्ति है, लोक व्यवहार भी सिखाएं कि अगर कोई बहु सासू के प्रति उद्दंड भाव करती है तो ऐसे प्रवचनों को सुनकर सम्मान करने से, विनय करने से हमेशा अपना सम्मान होता है, अपनी विनय होती है। कोई पुत्र है, हमेशा पुत्र तो नहीं रहता, उसको भी एक दिन पिता बनना होता है। कोई बहू है, वो हमेशा बहू नहीं रहती, एक दिन वो भी सास बनती है। तो एक दूसरे की विनय करना, ये व्यवहार विनय है। चाहे हम जिनवाणी की विनय तो कर लिए,
भगवान की विनय भी कर लिया, गुरु की विनय भी कर ली, लेकिन घर में जाकर के ज्वालामुखी बन गए। तो ये शास्त्र पढ़ना या सुनना उसकी सार्थकता नहीं है। सार्थकता यही है कि मन के विचारों में परिवर्तन आ जाए। सासू अगर गंगा स्नान करने गई है तो जा करके फिर बहू के ऊपर वो ज्वालामुखी बन करके और गुस्सा नहीं उतारेगी, अभी तूने खाना तक नहीं बनाया। गंगा स्नान करके माने भक्ति की गंगा में स्नान करके अगर गए हैं, ज्ञान की गंगा में स्नान सही रूप में किया है, तो घर के अंदर जाकर शांति की स्थापना करना और बात बात में गुस्सा नहीं आना, एक दूसरे के प्रति विनय की भावना रखना, ये सब साक्षात फल माना गया है। शक्ति के अनुसार चारित्र को ग्रहण करें, अन्याय ना करें, अभक्ष का त्याग कर दें, इस प्रकार का प्रवचन हो तो उस प्रवचन का ये साक्षात फल श्रोताओं को जरूर जरूर प्राप्त हो जाता है। क्रम क्रम से आप सुनते रहें, एक अच्छा विद्वान बनने के लिए इन बातों को हृदयंगम करना परम आवश्यक होता है भव्यात्माओं। तो आगे हम परंपरा फल की ओर चलेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूजे लोका लोग, सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा दे तू दो, हे जिनवाणी भारती तो जपू दिन रैन, गए सो पावे सुख चैन, ज्ञान मती को नित नमो ज्ञान कली खिल जाए, ज्ञान ज्योति की चमक में जीवन मम मिल जाए। जलो द्वादसांग मई जिनवाणी माता की जय। परम पूज गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की।